ये दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख सकते हैं जो गाड़ी है होंडा सिटी, और इस गाड़ी में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो है क्या कहते हैं फ्यूज बॉक्स का जो है डायग्राम, मतलब इसमें कैसा रहता है होंडा सिटी में। यहाँ पे फ्यूज बॉक्स में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, इसके कवर में यहाँ पे स्टिकर रहता है, ठीक है। बट कोई कोई गाड़ी में स्टिकर नहीं रहता, मतलब फट जाता है या गुम जाता है, वो इजीली निकल जाता है, यहाँ से स्टिकर तो रहता नहीं है। तो अपने पास अभी एक है, इसलिए मैं बोला चलो इस पर एक वीडियो बना देता हूँ शॉर्टली छोटा सा। ये देख सकते हो आप, ये इसका स्टिकर है, ऐसा फ्यूज बॉक्स रहता है इसका, ये इसका स्टिकर है सामने, ऐसा आप चेक कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कोई गाड़ी हमारे पास आती है उसमें ये स्टिकर नहीं रहता, तो ढूंढने बहुत मुश्किल होता है कि इसका वाइपर का फ्यूज़ किधर है, फ़ैन का किधर है, या और फ्यूज़ किधर है इसके, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके अंदर जो है इसका एक फ्यूज़ आता है मेन, जैसे कि देख सकते हो आप, इसमें दो फ्यूज़ है इंजन के स्टार्टिंग से रिलेटेड। एक ये है 20 जो लिखा हुआ है 20, और एक दूसरा जो है इसके अंदर 44, ठीक है। तो 20 नंबर जो है इसका फ्यूज़ है 15 एम्पे, ये फ्यूज़ आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फ्यूज़ है, अगर आपकी गाड़ी वगैरह स्टार्ट नहीं होती तो ये फ्यूज़ और ये फ्यूज़ चेक करना चाहिए, ये वाला जो फ्यूज़ है तो ऐसा चेक कर सकते हो। अब ये वीडियो में आपको यही बता रहा था मैं कि इसका अगर आपकी गाड़ी से ये स्टिकर निकल गया है और अपने को अगर फ्यूज़ ढूंढना है तो ये इसमें स्टिकर है, आप ऐसा देख के इसके फ्यूज़ फाइंड कर सकते हो। ये पावर विंडो वगैरह का है, सेंटर लॉक वगैरह का है, डिक्की का, इसमें जो लिखा हुआ है देख सकते हो आप,